हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। कल हम बताए थे रिटायरमेंट चैप्टर में NPR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज की नई टॉपिक गेनिंग रेशियो, कैसे निकाला जाता है गेनिंग रेशियो, क्या होता है गेनिंग। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके हिस्से को गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ले लेते हैं कंटिन्यू पार्टनर। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूले होते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो किसके लिए होता है, केवल कंटिन्यू पार्टनर के लिए जो फर्म में रह जाते हैं, रिटायर के लिए नहीं। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक एक जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, ABC का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया है 4:3:2, यानी 4/9, 3/9, 2/9। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी रिटायर हो जाता है। उसके बाद ए और सी एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग का भविष्य में रेशियो हो जाए 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू शेयर ऑफ ए, ए का नया हिस्सा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों का नया हिस्सा क्या क्या हो जाएगा, 3/5 और 2/5। आप चाहे तो इसको दो बार बारी बारी भी लिख सकते हैं, न्यू शेयर ऑफ ए बराबर 3/5, न्यू शेयर ऑफ बी 2/5। बढ़िया, अब हम लोग को निकालना होगा सर, ऊपर हो गया ओल्ड और नीचे क्या हो गया न्यू, अब निकालना है गेनिंग रेशियो। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बढ़िया, तो सबसे पहले किसका लेना होगा सर, फॉर ए गेनिंग रेशियो केवल कंटिन्यू पार्टनर का निकाला जाता है, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या होगा, ए का पहले न्यू तब में ओल्ड, तो न्यू रेशियो दिया है सर 3/5 में से घटा दिया जाए 4/9, एलसीएम कितना हो गया सर 45, 5 × 45 3 × 9 = 27, 27 − 20 यानी कि 7/45। बढ़िया, उसी तरह सर जी बी का क्या वर्क होगा, बी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 2/5 में से घटा दिया जाए 2/9, तो एलसीएम हो गया 45, तो 18 − कितना हो जाएगा 10, यानी कि 8/45। बढ़िया, अब इसको क्या करना है, हम लोग को गेनिंग रेशियो में बदलना है। अब हमको बदलना है गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो निकालना आसान है, जरा कॉर्नर पे देख लें, शायद आप लोगों को कॉर्नर दिख रहा होगा। अब मान लिया जाए कि गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो पे निकालना है, इसको कैसे बनाएंगे, GR मतलब गेनिंग रेशियो 7/45 × 45, 8/45 × 45, 45 से 45 कैंसिल, यानी कि 7:8। बढ़िया, इस तरीके से ये क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया। तो आप किसी तरह आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आगे की क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ताकि आपके कोई क्वेश्चन ना फंसे। क्वेश्चन नंबर आगे 5, XYZ पार्टनर है, रेशियो 4/9, 3/9, 2/9, इसमें वाई रिटायर हो जाता है तो बाद में एक्स और जेड का रेशियो हो जाता है 5/9 और 4/9, बस वही काम करना है न्यू माइनस ओल्ड, बड़े आराम से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, KMS पार्टनर है, 4/9, 3/9, 2/9, इसमें के रिटायर हुआ तो अब बचे एम और एस, उन दोनों का रेशियो दिया 5:3, यानी 5/8 और 3/8,
न्यू में से ओल्ड को घटाएंगे, आंसर बड़े आराम से आएगा। जो चार है वही पाँच है, वही छः है। क्वेश्चन नंबर सात, जरा ध्यान से, गड़बड़ हो सकता है इसलिए सुनना जरूरी है। ए बी सी डी चार पार्टनर हैं, 1/6, 2/6, 1/6, 2/6। उसमें से सी रिटायर हो गया तो अब बचे ए बी और डी। ए बी डी का रेशियो इक्वली है, पहले चार थे, एक रिटायर हुआ तो अब कितने लोग बचे, तीन। तो तीन आदमी में बराबर हिस्सा कैसे लगेगा, 1/3, 1/3, 1/3, यानी न्यू शेयर हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3। फिर न्यू में से ओल्ड घटाते हैं तो आंसर आ जाएगा। डी नंबर ऐसा ही है, ए बी सी डी ई पांच पार्टनर थे, 7/20, 5/20, 3/20, 3/20 और 2/20। इसमें सी रिटायर हुआ, सी के रिटायर होने के बाद अब रेशियो बदल गया, 6/20, 5/20, 5/20 और 4/20। वही काम करना होगा, न्यू में से ओल्ड को घटाना होगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे मेरा आंसर आया है 7/45, 8/45, दोनों तो पॉजिटिव आया है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि माइनस 7 आने लगे, तो इसके बगल में लिख देना होगा सेक्रीफाई। इस चैप्टर में जब माइनस में आंसर लगे आने लगे तो सेक्रीफाई, जब माइनस में आंसर आएगा तब तो आपको दोनों पे लिखना होगा, माइनस वाले पे सेक्रीफाई और प्लस वाले पे गेन। तो बड़े आराम से ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि आपको इससे ज़्यादा कुछ भी पूछना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें, हमें कॉल कर सकते हैं और अच्छी तरह इस चैप्टर को आप बना सकते हैं, किसी भी तरह का बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को डील करें। यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे पढ़ाने के तरीके, अकाउंट्स के प्रत्येक स्टेप अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल की खास बात यह है कि सभी तरह के आपको स्टडी मटेरियल से लेकर वो सारे चीज़ प्रोवाइड किए गए हैं जो कॉमर्स में आपको आईकॉम से एमकॉम तक की कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं। जय हिंद।